के इस मंडलीय अधिवेशन में कुमाऊं मंडल के समस्त शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर गोकुल सिंह वर्तोलिया, पूर्व जिलाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ जनपद इकाई नैनीताल, स्वयं को मंडल अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में आप सभी साथियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। निवेदन करने आया हूँ कि जितने भी प्रत्याशी मंडल अध्यक्ष पद के हैं, इन सभी के सांगठनिक इतिहास को आप जो है खंगालेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि पूरे कुमाऊं मंडल के जितने भी जनपद हैं, इन जनपदों में जितने हजारों हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, इनका नेतृत्व कौन करेगा। यह भी मुझे निवेदन करना है, आपको समझना चाहिए, अगर संगठन है तो संगठन के होने का एहसास प्रत्येक सदस्य को होना चाहिए और ये एहसास उत्पन्न करना पदाधिकारी की जिम्मेदारी होती है। जब हमारा शिक्षक साथी, जब हमारी शिक्षिका बहन किसी कष्ट में होता है, संकट में होता है, अगर संगठन उसके पक्ष में खड़ा होता है तो यहाँ पर एक विश्वास का निर्माण होता है, जो संगठन का आधार होता है। नैनीताल जनपद का अध्यक्ष रहते हुए जब भी किसी शिक्षक साथी को शिक्षिका बहन कष्ट में हो रहा या संकट में रहा, वहां मैं खड़ा रहा। राजकीय शिक्षक संघ के इतिहास में जनपद स्तर पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जनपद स्तर पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक शिक्षक साथी के साथ विद्यालय में जाकर के असामाजिक तत्वों ने बदतमीजी की हो और हमने 2 हफ्ते स्कूल बंद कर दिया हो। हम पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं, हमारा काम स्कूल बंद करना नहीं है, हमारा काम है शैक्षिक उन्नयन के लिए काम करना। लेकिन तब क्या होगा जब हमारे शिक्षक साथी के साथ बदतमीजी होती है या किसी शिक्षिका बहन के साथ बदतमीजी होती है, कौन बचाएगा आपको? सुनाई विभाग नहीं बचाएगा, अधिकारी यहाँ बैठे ये बचा नहीं पाएंगे आपको, उस समय संगठन बचाएगा। इसलिए ऐसा संगठन चाहिए जिसका अध्यक्ष दमदार हो, जिसके नेतृत्व में आप सुरक्षित महसूस करते हो। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जनपद नैनीताल में बहुत सारे शिक्षक उत्पीड़न के केस हुए, भद्रकोट का मैं बार बार उदाहरण देता हूँ क्योंकि एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। जब वहां पर बदतमीजी की गई, मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को कहा कि कल से हमारे विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं पूरा स्टाफ कोई विद्यालय नहीं जाएगा, और इतिहास है सबको सब खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मैंने संबद्ध कराया, उस व्यक्ति के खिलाफ मैंने FIR दर्ज कराया जब मामला कोर्ट में गया, और यह भी इतिहास है कि वो असामाजिक तत्व मेरे विद्यालय में आया, उसके बाद मौखिक रूप से माफी मांगी, और उसके बाद मेरे विद्यालय में जब आया मैंने कहा यहाँ पर गौरी शंकर कांडवाजी होंगे, मैंने कहा इस व्यक्ति को कमरे में बंद करो और वीडियो बनाओ जिसमें बिल्कुल हल्ला नहीं हो रहा। वो वीडियो मैंने अपलोड किया मेरे फेसबुक टाइमलाइन 2019 मई के महीने में, देख लीजिए, ये हमारा इतिहास है। यहाँ पर शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं सभी समस्याओं पर बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है, बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर संगठन है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। मैं सभी अधिकारियों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन उन तमाम सम्मानित अधिकारियों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, जब भी आप निम्न विरुद्ध जाकर के कोई अपना आदेश निकालते हैं और हमारे शिक्षकों को अगर कष्ट होगा तो डॉक्टर गोकुल मर्तोलिया वहां पर दिखेगा। और जो मैं बातें कह रहा हूँ, बातें करना आसान है, सभी शिक्षक भाषण देने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूँ इसको तथ्यात्मक मूल्यांकन आप कीजिए और वेरीफाई कीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमारी शिक्षिका बहन बैठी है, उत्पीड़न तो हम बाहर कॉल होता हम ठीक करते ही करते, यहाँ बहन बैठी है शिक्षा में, दीपा कन्या मैडम बैठी है, पूछिए इनसे जब इनको जो है उत्पीड़न का किया जा रहा था। हम सम्मान करते हैं प्रधानाचार्य जी का, लेकिन इतने टेढ़े मेढ़े सिद्धे प्रधानाचार्य इनका जो है सही तरीके से हिसाब किताब करते, समझ गए इस मुख से ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारी समस्या है। दूसरी चीज, सिर्फ संगठन संगठन करने से ये संगठन नहीं चलेगा, संगठन संगठन कहने से पहले विद्यालय विद्यालय कहना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो अधिकारी, कई बार हम उन पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या समझिए, पूरा विभाग ने जितने अधिकारी इनको डाकिया बना दिया है, पीओ साहब को डाकिया बना दिया, सीओ साहब को बड़ा डाकिया बना दिया, स्थिति तो यहाँ तक हो गई है कि डायरेक्टर साहब को एक प्रकार से सबसे बड़ा डाकिया बना दिया है। लेकिन ये जब नीति संबंधी कोई काम होता है, कोई नीति निर्गत होने वाली होती है, उससे पहले किसी पदाधिकारी का बहुत इस तरह इतना होना चाहिए कि एडवांस में समझ जाए कि क्या दिक्कत आने वाली है और उसका विरोध कर दे। अटल स्कूल जिसका उदाहरण है, जब अटल का शासनाधीन दिक्कत होने वाला था, मैंने तत्कालीन जो प्रांतीय पदाधिकारी उनको कहा था बहुत समय अटल के स्कूल दिक्कत करेंगे, इनका विरोध करिए, लेकिन वो नहीं समझे। आज के तारीख में अटल स्कूल गले की हड्डी बन गए, हमारे जो विद्यालय के बच्चे ये कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पा रहे और नहीं कर पाएंगे, लेकिन गाली कौन खाएगा? टीचर खाएगा। पूरे भारत में हमारी बदनामी कर दी गई है कि उत्तराखंड के जो सरकारी शिक्षक हैं, जो अटल स्कूलों में काम करते हैं, वो किसी मतलब के लिए
इन्होंने देहरादून का पूरा देहरादून जोन का पूरा रिजल्ट खराब कर दिया, लेकिन हकीकत आज समझते हैं हम मेहनत करते हैं लेकिन हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बात बहुत कहना चाहता था, पूरी बात नहीं हो पाई, मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।